बस वेलकम टू टेक्निकल माइंड। कैसे आप लोग? तो कैसे आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दो आपको, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम पे स्टैम्प ऐड कर दिया, आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना पार्ट देख सकते हो। जो सभी आपको वीडियो में पार्ट देखना हो वो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और सेकेंड चीज़ का मैं ये बता दूँ आपको, लाइक काफ़ी लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस होते क्या हैं अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले उनमें डिफरेंस देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस जो होती है वो मोस्टली 9 to 10 pages की बनाते हैं हम लोग, जहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, लाइक जैसे मैं कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, तो उसमें हम ये लिखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ हम करने वाले हैं। लाइक हम इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से मॉड्यूल्स रखेंगे और यूजर क्या करेगा, एडमिन क्या करेगा इसमें। बस सिंपल इतना ही ओवरव्यू हमें देना होता है अपने टीचर को, और जब टीचर इसको अप्रूव कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंपल ये 9 to 10 pages की रखी है। जब टीचर इसको अप्रूव कर देता है हम फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ओवरव्यू दिखाता हूँ। मैंने ये मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जब आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, अब ये देखो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसमें मैंने सब कुछ इंडेक्स टेबल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखो डायग्राम्स बनाए हैं, इसमें सारे डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम डेटा टेबल्स की बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। फिर जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसके हम स्क्रीनशॉट लगाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, पर देखो टेस्टिंग की हुई है मैंने। ठीक है, तो ये सब हम करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सिनॉप्सिस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, वो आप जाके इस वाले प्लेलिस्ट के सबसे एंड में जाकर देख सकते हो, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस की। ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है उसका फर्स्ट पेज कैसा होता है। ठीक है, और कैसे बता दूं आपको, इस वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपने मेजर या मिनी प्रोजेक्ट दोनों में सबमिट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी आपका प्रोजेक्ट का टाइटल होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, सिंपल है। ठीक है, और जो भी रिपोर्ट आप बना रहे हो उसके बारे में डिटेल थोड़ी सी लिखनी होती है, बाकी आपका नाम आएगा यहाँ पे कौन सबमिट कर रहा है, आपका एनरोलमेंट नंबर, इन पार्सल फुलफिलमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ, जो भी आपकी डिग्री मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब मैंने एमसी वगैरह किया हो तो मैंने वो बनाया है यहाँ पे, जो भी आप लोग कर रहे हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और कैसे यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सटर्नल गाइड और यहाँ पे लिखा मैं देखो इंटरनल गाइड। तो इंटरनल गाइड हमारे वो होते हैं जो भी हम टीचर्स वगैरह जिसके टीचर के अंडर में हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और एक्सटर्नल गाइड्स हमारा वो है अगर आपने कोई मेजर प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपने वो प्रोजेक्ट किसी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप बेसिस पे किया होगा। ठीक है, तो जो इंटर्नशिप आपने जिसके भी अंडर में की है, जो भी आपके मेंटर थे वहाँ पे, उन मेंटर का नाम आएगा यहाँ पे, और वो कौन है, लाइक डायरेक्टर है या फिर कौन है मैनेजर वाले आपके, जो भी मैनेजर थे उनका नाम आएगा। अगर आप ये मिनी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो सिंपल आप यहाँ पे इंटरनल गाइड जो भी आपके सॉरी एक्सटर्नल गाइड या फिर जो भी आपके गाइड हो सकते हैं उस टाइम पे किसी के अंडर में तो आपने किया होगा, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम और कॉलेज की डिटेल आएंगी। और गाइस जो सेकंड पेज आना चाहिए आपका वो आता है कैंडिडेट डिक्लेरेशन। ठीक है, कैंडिडेट डिक्लेरेशन में आप यहाँ पे ये डिटेल लिख सकते हो, उसको कॉपी भी कर सकते हो। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द वर्क विच इज बींग प्रेजेंटेड इन दिस डिसीजन इंटाइटल्ड कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम इन द पार्सल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ द डिग्री, जो भी आपकी डिग्री लाइक जो भी आप बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीटेक वगैरह कर रहे हो, सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी आपके कॉलेज या कॉलेज का नेम आएगा यहाँ पे, इज एन ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ माई वर्क कैरिड आउट ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम, लाइक आपने जहाँ से भी स्टार्ट की थी आप अपने इंटर्नशिप या फिर जो भी प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया था कब तक वो एंड हुआ है, वो डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, और कैसे उसके बाद आपके यहाँ पे डिटेल आ जाए आपका नेम, आपके कोर्स का नेम, आपका जो भी आपका कोर्स है, जो भी आप कर रहे हो, आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह, जो भी आपका कॉलेज वगैरह। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पर थर्ड पेज आना चाहिए सर्टिफिकेट, और यहाँ पे हम दो सर्टिफिकेट लगाएंगे अगर आप मेजर प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो तो, जो जो सर्टिफिकेट आपको कंपनी से मिलता है इंटर्नशिप बेसिस पे, और एक सर्टिफिकेट होता है कॉलेज से। अब कॉलेज से भी तो आप किसी की परमिशन लेके बनाते हो। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है और वही हमको बनाना है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है लाइक सर्टिफिकेट में, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंटाइटल्ड कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट बाई, जो भी आपका नेम है या फिर जो भी आपका नेम होगा, जो भी इस प्रोजेक्ट को बना रहा है उसका नेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, अंडर अंडर माई सुपरविजन एंड गाइडेंस इन पार्सली फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम, लाइक जो भी आपका कॉलेज का नेम है। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे इंटरनल गाइड की डिटेल आएंगी, यहाँ पे डिटेल आती है आपके गाइड की, मतलब कि आपके टीचर की, जो भी प्रोफेसर है आपके, जिस प्रोफेसर के अंडर में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उनकी डिटेल आती है यहाँ पे, और वैसे ये सिक्वेंस थोड़ी चेंज हो सकती है लाइक कॉलेज टू कॉलेज। लाइक मैं पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लिख सकता हूँ, सर्टिफिकेट के बाद में थर्ड पेज का डिक्लेरेशन लिख सकता हूँ, ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, आप अपने टीचर से कंफर्म कर लेना। और ये रिपोर्ट 2-3 बार रिजेक्ट भी हो जाती है कॉलेज में, लाइक इसमें बहुत सारी कमियाँ भी निकालते हैं टीचर, तो आप वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो फेस करना ही पड़ता है। अब देखो यहाँ पे आता है कंपनी का सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपको कंपनी से मिलता है, मैं यहाँ पे वो शो नहीं करूँ क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो मैंने इसलिए यहाँ से हटा रखा है। आप लोगों को लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अगर नहीं है आपके पास कंपनी का सर्टिफिकेट तो आप अपने कॉलेज में जाकर बात कर सकते हो टीचर से, उनसे अप्रूवल ले सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ का।
आपका एक्नोलेजमेंट, एक्नोलेजमेंट में सिंपल आपको 100 डिटेल देनी होती है, लाइक अगर आपका किसी ने इसमें हेल्प की है, मतलब कि आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, जो भी जिन पार्टनर्स के बीच में रहकर आपने प्रोजेक्ट किया उनकी डिटेल्स नहीं होती, बाकी अपने टीचर को थैंकफुल वगैरह के मैसेज देना होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, जैसे कि गाइस देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइनली आई एक्सप्रेस माई रिगार्ड टू माई कलीग हु हेल्प मी लोड ड्यूरिंग द कम्प्लीटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, थैंक यू ऑल, मतलब कि इस तरह से आपको एक डिटेल लिखनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखी है देखो मैंने जो भी कंपनी में जिनके भी अंडर मैंने प्रोजेक्ट किया था, और बाकी अपने टीचर के बारे में डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और ये भी आप पढ़ सकते हो, उसको डाउनलोड करोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना, उसको एडिट भी कर लेना। उसके बाद सिंपल हमारे यहाँ पे एक इंडेक्स पेज आता है, हम लोग इंडेक्स पेज में क्या रखने वाले हैं वो डिटेल अभी हमने यहाँ पे दिए। ठीक है, किस पेज पर कौन कौन सी डिटेल लेगी वो सब आप एडिट कर लेना जब इसको डाउनलोड करोगे तो। ठीक है, बाकी उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है हमारा कंपनी का इंट्रोडक्शन, मतलब जिस भी कंपनी के अंडर में हमने रह के ये प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अगर आपने किसी कंपनी के अंडर में नहीं किया तो ये सिंपल आप यहाँ से हटा देना, अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू आएगा सिंपल यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे देखो कंपनी के बारे में लिखा था, उसके बारे में जो कंपनी किस किस टेक्नोलॉजी वर्क करती है वो सभी मैंने यहाँ पे लिखी थी। उसके बाद अबाउट ऑफ द प्रोजेक्ट, सिंपल आता है मेरा प्रोजेक्ट का अबाउट, मतलब कि अगर आप गाइस किसी कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं किया तो ये वाला आपको दो लाइन नहीं लिखनी है, मतलब दो हेडिंग्स ये नहीं लिखने हैं, सिंपल आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब बाकी ये मैं पढ़ के तो नहीं बताऊंगा जो कि बहुत बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेना जब आप डाउनलोड करोगे तो। और बाकी इंट्रोडक्शन में तो सिंपल वही आता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या कर रहे हो, जैसे मैंने इस वाले प्रोजेक्ट में जो मैंने बनाया हुआ है अभी, ये यहाँ पे सिंपल हम कैब को बुक कर रहे थे, लाइक कस्टमर की डिटेल पहले ऐड कर रहे थे, फिर कस्टमर की डिटेल अपडेट भी कर रहे थे, और कस्टमर की डिटेल को हम डिलीट भी कर रहे थे अगर कुछ कोई कस्टमर डिलीट करवाना चाहता है तो। ठीक है, उसके बाद हम कैब बुक कर रहे थे, इंटरसिटी कैब बुक करनी है, इंटरसिटी बुक करनी है, दोनों कर रहे थे, लाइक कोई मेरे को बड़ा पैकेज कहीं भेजना है तो हम वो वाला पैकेज के लिए भी एक ट्रक बुक कर रहे थे। ठीक है, फिर बिल्स भी जनरेट कर रहे थे, वही डिटेल हमने इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना जब आप डाउनलोड करोगे तो। उसके बाद गाइस हमारा था एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम वो कैसे वर्क कर रहा है, लाइक उसमें साइन अप प्रोसेस वगैरह है नहीं है, तो वो डिटेल भी मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। ठीक है, अब एडमिन उसमें क्या कर सकता है, एडमिन कैन ऑल्सो ऐड न्यू कार्ड एंड प्राइस एंड डेस्टिनेशन एंड सोर्सेज वगैरह, और बाकी ये साइन अप प्रोसेस है उसका, और यहाँ पे हमारी बुकिंग की प्रोसेस है कि हम बुक कैसे कर रहे हैं अपनी कैब को। ठीक है, बाकी जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उससे कुछ ड्रॉबैक्स तो होती हैं, लाइक यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा मोर मैन पावर, टाइम कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग लार्ज वैल्यू ऑफ पावर वर्क, पेयर वर्क सॉरी, एंड नीड्स मैनुअल अटेंशन। ठीक है, और अगर आपको लगता है दो चार ड्रॉबैक्स और लिखने की जरूरत हो, आप लोग इसको लिख सकते हो जब आप डाउनलोड करोगे तो एडिटेबल पूरी फॉर्मेट है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन है पूरा एडिटेबल, आप एडिट कर सकते हो उसको। ठीक है, फिर आता है गाइस हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट मॉड्यूल समरी, कि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर कौन कौन सी डिटेल ये ब्रॉड लेवल पे यूज होने वाली, लाइक जैसे सेल्स फोर्स है। ठीक है, अब आप कोई प्रोजेक्ट किसी कंपनी के लेवल पर बनाते हो, जैसे ये प्रोजेक्ट तो मैंने कंपनी लेवल पर बनाया हुआ है। ठीक है, और इसको लाइक मैंने कंपनी में बनाया है, तो कंपनी में कोई भी काम होता है तो बड़े बड़े ब्रॉड लेवल पर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी कस्टमर्स होते हैं उनका डेटा कहीं तो सेव होता ही है, तो ठीक है वो सेव हो रहा था हमारा सेल्स फोर्स में, तो सेल्स फोर्स के लिए मैंने इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल लिखी हुई कि सेल्स फोर्स हम डेटा अपना ऐड कर रहे हैं जो भी कस्टमर आते हैं। ठीक है, बाकी क्लाउड का यूज़ किया हुआ हमने, लाइक AWS क्लाउड और गूगल क्लाउड वगैरह होते हैं, और लॉग फाइल्स हम जनरेट करते हैं जब भी हमारा प्रोजेक्ट रन होता है या फिर कुछ भी अगर उसमें एरर वगैरह आती है तो हम लॉग फाइल में जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल हमने यहाँ पे लिखी हुई थी। बाकी हमारी कैब की इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे आ जाएगी, जो भी हमारी कैब है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना आप शॉर्ट फॉर्म में, जब भी आप मतलब मैं तो उसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, पर जब आप इसको डाउनलोड करोगे इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल फ्लो चार्ट बनाया है इसका। ठीक है, मतलब जो यूज़र है, यूज़र पहले लॉगिन करेगा और रजिस्टर करेगा, अगर वो लॉगिन लाइक वो ऑलरेडी लॉगिन है तो सिंपल रहेगा सेलेक्ट पिकअप लोकेशन पे, अगर वो लॉगिन नहीं है तो सिंपल यहाँ पे रजिस्टर पे आएगा, रजिस्टर पे जाने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो हम जाएंगे फिर से सेलेक्ट पिक लोकेशन पे। लाइक सिंपल है, जब आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो तो पहले लॉगिन करते हो, अगर लॉगिन ऑलरेडी हो तो उसको यूज कर लेते हो, अगर लॉगिन नहीं हो तो पहले रजिस्टर करते हो मतलब साइन अप करते हो फिर उसको यूज करते हो एप्लीकेशन को, तो सिंपल वही हुआ यहाँ तक स्टेप तक। उसके बाद डेस्टिनेशन पिक करते हो मतलब चूज करते हो, उसके बाद पिक डेट टाइम करते हो, आप डेस्टिनेशन तो चूज कर ली, उसके बाद फिर कौन से टाइम और कौन से डेट को आप वो कैब बुक करने वाले हो वो यहाँ पे चूज करोगे। उसके बाद पेमेंट मोड आएगा आपका, अगर कैश में करने वाले हो तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, अगर आपके पास अमाउंट अवेलेबल है वॉलेट में तो यस, मतलब कि फिर मेक पेमेंट करने वाले हैं, अगर अवेलेबल भी नहीं है वॉलेट में अमाउंट, मतलब एक तो है कैश की ऑप्शन हमारे पास और हम कैश नहीं देने वाले, हम जाएंगे वॉलेट से। ठीक है, वॉलेट में भी कैश अगर नहीं है तो फिर तो कैश ही देना पड़ेगा ना, तो फिर से हम यहीं पर आ जाएंगे कैश वाले ऑप्शन पे, और भाई कैश टू ड्राइवर। ठीक है, बाकी कंप्लीट राइट, सिंपल एक छोटा सा वर्क फ्लो था, सॉरी फ्लो चार्ट था कि हम लोग कैसे बनाने वाले हैं इस वाले प्रोजेक्ट को। ठीक है, बाकी एस्टिमेट टाइम अराइवल में कुछ डिटेल लिखी हुई है, जो भी डिटेल्स हमारे होनी चाहिए, कैब कन्फर्मेशन
अगर कैब कन्फर्मेशन होती है तो उसके लिए हम थोड़ी सी डिटेल हमने लिखी हुई है। बाकी ट्रांसपेरेंट बुक प्रोसेस है, फेयर प्राइजन है और बाकी राइड डिटेल्स वगैरह हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद गए हमारा यहाँ पे आया था सॉफ्टवेयर टूल स्पेसिफिकेशन कि हमने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जावा का यूज़ किया था टेक्नोलॉजी में, तो मैंने जावा के बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं थोड़ी सी, ठीक है। लाइक जो भी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ेगा उसको समझ में आ जाना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में, कौन सी टेक्नोलॉजी पर बना हुआ और वो टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो वो छोटी सी डिटेल हमको यहाँ पे देनी होती है अपने जोन से भी लैंग्वेज इसमें यूज की हुई है, और टूल जो यूज़ किए हैं उसके बारे में डिटेल लिखनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे नेटबीन्स के बारे में लिखी हुई है, ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने नेटबीन्स में बिल्ड किया है, और कौन कौन से जावा यूज़ किया, मतलब कौन से जावा का वर्जन मैंने यूज़ किया हुआ, JDK का कौन सा वर्जन यूज़ किया, वो डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी डेटाबेस मैंने यहाँ पे MySQL का यूज़ किया हुआ है, तो MySQL की मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिखी है, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारे यहाँ पे था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब ये सब कुछ जो चल रहा है हमारा चल रहा है इंडेक्स के बेसिस पर, जो भी हमने आपको ऊपर इंडेक्स दिखाया था उसमें हम सिक्वेंस बाय सिक्वेंस यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने अबाउट कंपनी देखा, फिर अबाउट द प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग सिस्टम, प्रोजेक्ट मॉड्यूल समरी, सॉफ्टवेयर टूल्स स्पेसिफिकेशन देखा, अब हम देख रहे हैं इस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा सिग्निफिकेंट लिमिटेशन, ये सब आता है हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर के बारे में अब, ठीक है। गाइस हमारे यहाँ पर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में प्रोसेसर इंटेल कोर i3 और उससे ज़्यादा होना चाहिए, रैम हमारी 4G और उससे अबव होनी चाहिए, और हार्ड डिस्क हमारी 8 GB एंड अबव होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज 7 और उससे अबव होना चाहिए। टूल्स हमारे हैं, हमने यूज़ किया नेटबीन्स 11.3 IDE, जो भी हमारा इन नेटबीन्स का वर्जन है, ठीक है, MySQL, ठीक है। और हमने यहाँ पे लैंग्वेज जावा यूज़ की है, और फ्रेमवर्क हमारा कोई नहीं था हमारे यहाँ पे, मतलब कुछ लोग होते हैं कि फ्रेमवर्क भी यूज़ करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो हमने यहाँ पे फ्रेमवर्क कोई यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा गाइस हमारे यहाँ पे आता ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है वो हमने यहाँ पे लिखा। अब ऑब्जेक्टिव और इंट्रोडक्शन में बहुत सिमिलर चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ना और खुद लिख लेना बाकी, या फिर आप हेडिंग्स देख सकते हो और पूरा कंटेंट अपने एंड से भी लिख सकते हो उसको बनाकर, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस आता है हमारे यहाँ पे, लाइक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी इट्स बेटर एंड यूज एंड बेनिफिट्स फॉर द कंसर्न यूजर एंड एप्लीकेशन, द प्रोजेक्ट जावा बेस्ड प्रोजेक्ट में बी यूजफुल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर डूइंग टाइम कंज्यूमिंग मैनुअली एफर्ट्स एंड इट्स की एट्रीब्यूट आर समराइज बिलो, ठीक है। मतलब जो भी कीज वगैरह हमने नीचे समराइज किए हैं, लाइक इस तरह से डेटा इज सिक्योर्ड इन क्लाउड और रिड्यूस टाइम कंजम्पशन, नो पेपर वर्क नीडेड फॉर फ्यूचर, रिड्यूस एरर स्कोप, मतलब कि जो भी हम अब इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। लाइक हम यहाँ पे क्लाउड पे डेटा अपलोड करेंगे सारा, रिड्यूस करेंगे हम लोग टाइम को, लाइक जो भी टाइम मैन्युअली लगता है करने में काम को उसको रिड्यूस करेंगे, नो पेपर वर्क इन फ्यूचर, कुछ नहीं होने वाला पेपर को, ठीक है। बाकी ये स्पेलिंग्स वगैरह आप चेकआउट कर लेना या फिर इनको अपने एंड से ठीक कर लेना, ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड करोगे पूरे प्रोजेक्ट को, ठीक है। बाकी इस प्रोजेक्ट की क्या लिमिटेशन है, लाइक रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर डेटा रहेगा इसमें, नेटबीन्स एंड मस्ट बी इंस्टॉल इन द यूजर सिस्टम, अगर नेटबीन्स इंस्टॉल नहीं है तो ये प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा, ब्राउजर भी इंस्टॉल होना चाहिए, क्लाउड अकाउंट होना चाहिए यूजर के पास, और MySQL भी इंस्टॉल होना चाहिए यूजर के पास, ठीक है, या फिर यूजर के सिस्टम में। फिर गाइस हमारे यहाँ पे आता है सेकंड चैप्टर जो कि था हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड फिजिबिलिटी। बेसिकली इस वाले चैप्टर में हम लोग सिंपल लिखते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले क्या क्या चीज़ों को एनालाइज किया है। अब जो भी एनालाइज होता है वो दो तीन तरीके से होता है, एक तो सिस्टम बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है, ठीक है, वो हम डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, हमको किस किस चीज़ों की नीड्स पड़ी है उसको हमने क्या क्या सर्चेस किए हैं तो वो डिटेल्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। बाकी यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन में डॉक्यूमेंटेशन और क्वेश्चनरीज हमने यहाँ पे लिखी है, लाइक देयर वर्क कंडक्ट टू गेट द व्यूज ऑफ अदर एम्प्लॉइज हु आर करंटली एम्प्लॉयड इन द सिस्टम, ठीक है। और कैसे हमारे यहाँ पे आता है फिर फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में सिंपल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इकोनॉमिक के बारे में, टेक्निकल और ऑपरेशनल के बारे में, मतलब कि जो भी इसमें कितनी पेमेंट लगने वाली है, कितना खर्चा आएगा पूरा कुछ सब कुछ बनाने में, कौन कौन से टेक्निकल इशूज़ हमको फेस करने पड़ेंगे और क्या क्या ऑपरेशन होने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स हम लोग टेक्निकल फिजिबिलिटी या फिर फिजिबिलिटी स्टडी में लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फिर आता हमारा थर्ड चैप्टर सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन में हम सिंपल लिखते हैं, मतलब जो पूरे प्रोजेक्ट बनाया उसका डिज़ाइन बनाते हैं, लाइक डेटा फ्लो डायग्राम, ये तो उसकी थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है, उसकी क्या प्रोसेस होने वाली है। अब मान लो मैं सिंपल आपको ये डायग्राम दिखाऊँ, तो अब जो नया बंदा है जो टेक्निकल टीम से नहीं है उसको तो नहीं समझ में आएगा ना ये हमने लाइक सर्कल और ये सब क्यों बना रखे हैं। तो उसको दिखाने के लिए हमने ये थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है कि हम सर्किल किसको बोलते हैं, लाइक प्रोसेस है तो उसको हम सर्किल बोलेंगे, और अगर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटिटी, लाइक एक्सटर्नल एंटिटी होती है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे एक एरो है तो उसको बोलते हैं डेटा फिलो, कि वहाँ से वहाँ तक को डेटा फिल होगा एक साइड से दूसरी साइड को, ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज इसलिए लिखी जाती है ताकि कोई नॉन टेक्निकल बंदा इसको समझ सके, ठीक है।
अब जैसे जीरो लेवल DFD है, लाइक यूजर रहेगा वो कैब बुकिंग मैनेजमेंट को यूज करेगा और क्लाउड साइट पे जाकर अपना डेटा चेक कर सकता है, ठीक है। मतलब ये तो एक बहुत ही छोटा ओवरव्यू हो गया, एक यूजर है और किसी भी प्रोजेक्ट को यूज कर रहा है और वो यूज कैसे करेगा, ताकि वो क्लाउड पे अपलोडेड है ऑलरेडी डेटा उसका, तो वो यूज कर पाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से समझ सकते हो आप। एडमिन भी यही करेगा, एडमिन भी किसी प्रोजेक्ट को अगर यूज कर रहा है तो वो भी डेटा क्लाउड से ही ले रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा ब्रॉड उसमें आते हैं तो यहाँ पे आता है फर्स्ट लेवल है कि जो एडमिन है वो क्या क्या कर सकता है, मैनेज ऑल एक्टिविटी, गेट गेट रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। इसी तरह यूजर अपना अपना अकाउंट को यूज कर सकता है, मतलब अपने अकाउंट को ही मैनेज कर सकता है जो भी यूजर रहेगा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे आता है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के भी सिंबल हमें यहाँ पे दिखाने होते हैं, मतलब एक थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है उनके जितने भी सिंबल्स हम यूज करने वाले अपने फ्लो चार्ट वगैरह में, ठीक है। और बाकी इसका फ्लो चार्ट जो था वो मैंने सबसे ऊपर आपको दिखा दिया था, आप लोग उस फ्लो चार्ट को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। सबसे ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाया था, ये वाला फ्लो चार्ट जो था, आप इस वाले फ्लो चार्ट को यहाँ से हटा के नीचे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उस वाले फ्लो चार्ट में मैंने सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, एक बार उसको ठीक से पढ़ लेना, उसको ठीक से समझ लेना फ्लो चार्ट को, ठीक है। और फिर यहाँ पे कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ की है, लाइक डिपेंडेंसी किसी प्रोजेक्ट में नहीं है तो मैंने सिंपल यहाँ पे लाइब्रेरी ही लिख दी है कि मैंने ये लाइब्रेरी यूज़ की है, ठीक है। बाकी UML डायग्राम जो बनाया था उसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लाइक ओवरव्यू लिखा है, UML डायग्राम होता क्या है। बाकी यहाँ पे एक मैंने इमेज यूज़ की, इमेज मैंने गूगल से ली थी, आप लोग भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये कैब बुकिंग का पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो कैसे कैसे वर्क करता है, लाइक डेस्टिनेशन सिलेक्शन होता है, पिकअप लोकेशन होती है, टैक्सी ड्राइवर है, वो टैक्सी ड्राइवर जो है वो कस्टमर को अराइव करेगा वहाँ से, उसका पेमेंट लेता है, पेमेंट के बाद मतलब इस तरह से वो सब कुछ लिखा हुआ। और एडमिन जो है वो एडमिन सारी चीज़ों पर नज़र रखता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे लास्ट में जो यहाँ पे एडमिन है वो सब चीज़ों को यहाँ पे चेकआउट कर सकता है। बाकी इसका यूज केस डायग्राम जो था, यूज केस डायग्राम यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। एडमिन जो है वो क्रिएट अकाउंट कर सकता है, मेंटेन अकाउंट कर सकता है किसी भी डिटेल को, मतलब किसी भी कस्टमर या फिर किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल को, बाकी लॉग इन लॉग आउट तो कर सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं उस अपने स्ट्रक्चर के थ्रू सारी प्रोसेस को। अब जो एडमिन है वो इस तरह भी आप समझ सकते हो, इस वाले डायग्राम से एडमिन है वो रजिस्टर करेगा, एम्प्लॉय पे जाएगा, प्रोवाइड कैब सर्विसेज करेगा और फीडबैक, ठीक है। छोटे छोटे डायग्राम्स हैं ये, आप बना सकते हो अपने एंड से भी कुछ डायग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। बाकी ये सिक्वेंशियल डायग्राम है, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी भी लाइक प्रोजेक्ट में ER डायग्राम नहीं बना रहे तो सिक्वेंस बना सकते हो, सिक्वेंस बनाए तो ER को छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्वेंस डायग्राम आप उस तब समझ में आएगा जब आपको थोड़ा सा UML डायग्राम आता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिक्वेंस डायग्राम किसे कहते हैं वो आप समझ सकते हो, गूगल से पढ़ सकते हो, उसके बारे में इसको समझो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3-4 मॉड्यूल्स हमारे, साइनअप का, लॉग इन प्रोसेस का और टैक्सी का, ऑर्डर मतलब टैक्सी बुक करने का, और वेब सर्विसेज और डेटाबेस का, ठीक है। तो अब सिंपल यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा सा कि जो भी अरेंजमेंट होता है एक्स से बाई को होता है, ठीक है, एक्स एक्सेस से बाई एक्सेस को, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो उसको, लाइक एक साइनअप का अटैम्प्ट हुआ यहाँ पे, फिर सेट इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से जाती है निकल के, तो इस तरीके से आप देखते हो, मतलब कि जो भी एक्टर है यहाँ पे, जो भी बंदा है वो अगर साइनअप कर रहा है किसी पेज को तो डेटाबेस से डेटा निकल के हमारा यहाँ को आता है, ठीक है। साइनअप पेज पे जाकर वो इंटरेक्ट होता है, अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो पूरी प्रोसेस वो देख सकता है यहाँ पे, मतलब कि लॉगिन प्रोसेस अगर सक्सेसफुल हो गया हमारा तो ऑर्डर भी कर सकता है वो, वेब सर्विसेज भी देख सकता है। इसी तरीके से आप एक बार इसको पढ़ोगे देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको ये, ठीक है। उसके बाद वाटरफॉल मॉडल का मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे देखो डेटाबेस की टेबल्स लिखी हैं, आप लोग जब इस प्रोजेक्ट को बना लोगे ना, जो भी आप प्रोजेक्ट यहाँ से देख कर बनाओगे, जो बना रहे हो उसकी टेबल सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है, बाकी और कुछ नहीं किया है इसमें। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यहाँ पे थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग जब डाउनलोड करोगे तो उसको सिंपल पढ़ लेना आप, और या फिर आप खुद भी लिख सकते हो जो भी टेबल्स आपने देखो बनाई है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ आई हैव कंसीडर्ड ए डेटाबेस दैट कंसिस्ट ऑफ 6 डेटा टेबल की, मतलब मैंने जैसे इस वाले पूरे प्रोजेक्ट में 6 डेटा टेबल बनाई थी, तो आप लोग इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, आप लोग भी इस तरीके से लिख सकते हो जितने भी टेबल्स आपने बनाई हुई हैं, ठीक है। कौन कौन सी चाइल्ड टेबल हैं, कौन कौन से पेरेंट टेबल हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखो आप देखोगे तो ये पेरेंट की है और ये फॉरन की है, तो फॉरन की किसी दूसरी से ही आई होगी, दूसरी टेबल से आई होगी, तो मतलब कुछ पेरेंट हैं कुछ चाइल्ड टेबल्स भी बनी हुई हैं, ठीक है। वो डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख देनी होती हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में तो आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट जो बनाया है आपने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनती है गाइस वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बनती है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जब आपका कंप्लीट हो गया, मतलब आपने इस तरह से प्रोजेक्ट पूरा बना लिया है, तो उसके आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट देने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था और ये आप जो इंटरफेस देख रहे हो सारा मैंने इस वाले प्लेलिस्ट में पूरा एक ओवरव्यू बताया, इसका पूरा कोडिंग करके बताया, आप लोग देख सकते हो उसको हर एक वीडियो को और बना सकते हो उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। यहाँ से देखो
हम कस्टमर के प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं किसी कस्टमर को, बुक कर सकते हैं कैब, इंटरसिटी कैब और ट्रांसपोर्ट के लिए बिल वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐड कस्टमर वाला जो भी इंटरफेस रहेगा वो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ऐड कस्टमर हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई कैब मेरे को बुक करनी हो तो मैं यहाँ से कोई कैब बुक कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई पैकेज, बड़ा पैकेज मेरे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो मैं उसके लिए ट्रक बुक कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमारा इंटरफेस ये रहेगा। और जनरेट बिल हमारे यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि अगर मैंने कैब कोई इंट्रा सिटी की हुई है या फिर कोई ट्रक बुक किया तो मैं इन बटन पर क्लिक करके मैं अपने यहाँ पे बिल जनरेट कर सकता हूँ। उसके बाद गाइस मेरा आता है यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ का, मतलब टेस्टिंग का जो भी चैप्टर होता है तो सारे लेबल्स मैंने लिखे हुए हैं टेस्टिंग के, मतलब कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग। आप लोग इसको एडिट करके अपने एंड से टेस्टिंग के और भी केसेज यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर देखो केस लिखे हुए थे, पर लॉगिन आईडी पासवर्ड ही नहीं है मेरे पास, तो क्या होना चाहिए, मतलब अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरा नहीं मिला तो क्या होना चाहिए उस केस में, यहाँ पे क्या होगा, मतलब वो लिखा मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ना, टेस्ट केस क्या, मेरा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डिड नॉट फैच, मतलब कि अगर मैंने लॉगिन पर क्लिक किया पर लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर बंद हो जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या, हमारा एक स्टैंडर्ड मैसेज आना चाहिए आपके पास, लाइक यू हैव नॉट लॉग्ड इन, इस तरह से एक मैसेज आना चाहिए। तो वही हमारा मैसेज आएगा, वो हमारा पास हो गया वो केस, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है टेस्ट केस ऐसे किए जाते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को कितने तरीके से तोड़ सकते हो उसको, मतलब ठीक है उसमें कौन कौन सी एरर अगर कोई आती है तो उसके बाद क्या होगा। अगर वो केस आपका पास हो रहा था तो यहाँ पर पास लिखना, अदरवाइज उसको फेल लिखना होता है। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ोगे समझ जाओगे। ठीक है, फिर मेंटेनेंस, इस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस क्या होने वाली है वो डिटेल्स आपको थोड़ी सी बहुत देनी होती हैं। उसके बाद आपका कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप, कि क्या कंक्लूजन निकला इस पूरे प्रोजेक्ट का और इसका फ्यूचर में क्या स्कोप होने वाला है, वो सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। बाकी बिबलियोग्राफी, मतलब कि कहाँ कहाँ से आपने इसको हेल्प लेकर बनाया है। ठीक है, तो ये थी मेरी कंप्लीट पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब इसको सारी डिटेल्स को एक एक करके समझाना तो गाइस बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और इसमें एक एक लाइन का मतलब समझाना कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने का लिंक गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, प्रोजेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने का लिंक आपको सबको सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपकी कंप्लीट हेल्प करूँगा। अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो कोई और प्रोजेक्ट भी चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।